नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारी क्लासिकल एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग सीरीज में, जिसमें दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने पार्ट नंबर 351 के बारे में। और इस पॉइंट के दो बारे में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। पॉइंट हमारा किन मेरिडियन का 9 यानी कि 9 नंबर पॉइंट। तो दोस्तों पहले हम इसकी लोकेशन जानते हैं, इसकी लोकेशन क्या होती है, इसके बारे में हम दोस्तों बात करेंगे, इसके बेनिफिट के बारे में, लेकिन इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या रोग, क्या क्या समस्याएं इससे ठीक होती है वो जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम ये इस तरह से अपना डायग्राम बनाएंगे कंप्लीट पहले पैर का। ठीक है, और ये हमारे दोस्तों थोड़ा सा पतला बन गया, पैर थोड़ा मजबूत। हाँ अब ठीक है, इस तरह से ये दोस्तों आने वाली ऊपर से हमारी बोन है, ये हमें मसल्स वाला एरिया होता है जैसे। ठीक है, मसल्स तो पूरी बॉडी में होते हैं ऐसे। ठीक है, ये हमारा टखने वाला एरिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पॉइंट था K3। ठीक है, K3। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है हमारा आज का K9 दोस्तों हमारे लगभग इस एरिया में पड़ेगा, और यहाँ से दोस्तों 5 कुंड की दूरी पर पड़ेगा। ठीक है, K9 से 5 कुंड की दूरी पर, 5 कुंड की दूरी पर। ठीक है, 5 कुंड, लगभग ये यहाँ पे पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, 5 कुंड, तो ये उसके 3 से 5 कुंड की दूरी पर पड़ेगा हमारा K9 पॉइंट। ठीक है, अभी दोस्तों हो गया हमारा K9 पॉइंट। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बेनिफिट के बारे में, इसके क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या रोग, क्या क्या समस्याएं हैं वो जान लेते हैं। ठीक है, तो नंबर एक दोस्तों, अगर किसी को बेचैनी महसूस हो रही हो, बेचैनी लग रही हो, किसी को घबराहट वगैरह बेचैनी हो रही हो, तो उस कंडीशन में दोस्तों ये आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, छाती में भारीपन, ठीक है, छाती में भारीपन, छाती में अगर किसी को भारीपन लग रहा है, वजन सा रखा हुआ लग रहा है, उस कंडीशन में दोस्तों आपकी हेल्प करेगा K9 पॉइंट। ठीक है, और नंबर 3, बेचैनी, छाती में भारीपन और धड़कन बढ़ना, अगर किसी की पल्स रेट बढ़ी हुई लगती हो, धड़कन बढ़ी हुई लगती हो, उस कंडीशन में भी दोस्तों आपकी ये हेल्प करेगा। तो 3 ये आपके बेनिफिट हो गए, 3 बेनिफिट, बेचैनी, छाती में भारीपन, धड़कन बढ़ना। इस तरह की कोई भी कंडीशन है, कोई भी प्रॉब्लम अगर लगती है, तो आप K9 पॉइंट से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट K9। अब इसे आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये वाला जो एरिया है रबर जिम्मी से ट्रीटमेंट करें इस पॉइंट को, और आधा से 1 मिनट के लिए इस पॉइंट को प्रेस करना है। ठीक है, आधा से 1 मिनट के लिए प्रेस करना है, पूरे दिन में एक बार भी कर सकते हो और रिपीट भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपको इससे दोस्तों K9 से ट्रीटमेंट करना है। अब दिन में तो आपने इस तरह से ट्रीटमेंट किया, चाहे एक बार किया हो या कंटिन्यू हर 1 घंटे में 2 घंटे में रिपीट किया हो, उसके बाद में आपके पास एक और ऑप्शन है बहुत अच्छा, आपके ट्रीटमेंट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए इस तरह की स्टार मैग्नेट लेंगे पेपर टेप पे। ठीक है, स्टार मैग्नेट लेंगे और ये जो आपका जो पॉइंट है K9, इस पॉइंट पर लगा देंगे। ठीक है, अभी अगर रात को आप लगाएंगे तो ये पूरी रात लगा रहेगा, सुबह ही से आप रिमूव करेंगे। ठीक है, तो ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट को रियूज कर लेना है, पेपर टेप को फेंक देना है, पेपर टेप दोबारा से नहीं आपकी लगेगी और ये मैग्नेट आपकी दोबारा यूज हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ट्रीटमेंट करना है, पॉइंट आपके सामने है, बेनिफिट आपके सामने है, और आप इसका कैसे यूज कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। अपने रूटीन का ध्यान रखिए, खाने पीने का, सोने का, उठने का, इन चीजों का ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।